मुनावा फारूखी की जम के कॉपी कर रही है आयशा। आयशा जो है, लोगों का मानना ये है कि आयशा बहुत ही ज्यादा प्यार करती है मुनावर को। भाई एक महीने में अट्रैक्शन होती है, प्यार नहीं होता। ठीक है अगर कोई बंदा छोड़ के चला जाए, ऐसी करे थोड़ा हर्ट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इतनी हद तक किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नेशनल टीवी पे आ जाए। अगर आना ही था किसी को, अगर किसी का हक बनता ही था, तो वो हक बनता था नाजिला का, जबकि वो आई नहीं सामने। अब रही बात आयशा खान की, आयशा खान काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें जो है कॉपी करती हुई दिखाई दी। जैसे मुनावर जो है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो दोनों तरफ दोनों पक्ष के सुनते हैं और वो समझते हैं कि आखिरकार सही कौन है या गलत कौन है, या एक्चुअली में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या क्या मैटर है। वही चीज़ें जो है अब समझ रही है। सुबह बोल रही थी कि यार ये क्या ढोंग कर रही है लड़ाई करने का, और फिर विक्की के पास भी अलग जाके बैठी है, बाबू भैया के पास भी अलग जाके बैठी है, अभिषेक के पास भी अलग जाके बैठी है, सब की लड़ाई की सब चीजें सुन रही है। जब ढोंग है तब सुनना ही क्यों था, भाड़ में जाने देती, फिर भी किया इसने क्योंकि मुनावर की कॉपी करनी है। अब जो है औरा के साथ बैठे हैं, एक तरफ मुनावर एक तरफ आयशा, जहां पर औरा जो है क्यूट क्यूट बातें कर रहा है। औरा जो है मुनावर को बोल रहा है आई लव यू मुनावर, आई लव यू आयशा। मुनावर जो है ये चीज देख के उसको हग कर लेते हैं और किस करते हैं चीक्स पे औरा को। तो ये चीज़ देख के आयशा जो है अपनी तरफ भी खींच लेती है औरा को, और औरा को जो है किस कर देती है। और किस करती है तो भाई डेफिनेटली है कि यह कॉपी जो है काफ़ी ज़्यादा कर रही है। इतनी ज़्यादा कॉपी बनी हुई है ना, ये घर के अंदर आके ना अपनी खुद की धज्जियां उड़ाने के लिए आई है। और कुछ इनोसेंट लोग ऐसे हैं जो कि इसको भी अभी समझ रहे हैं कि यार बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया सब चीज़ें कर रही है, हमारे तो भाभी बन गई ये। भाभी वाभी कुछ नहीं, ऐसी भाभी हो होने से अच्छा मुनावर अकेला ही रहे भाई, ऐसा चीज़ सोचो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।